ये जो स्टेज के बच्चे बैठे हैं ये हिप्स के सेकंड बैच के बच्चे हैं और इनके अल्हम्दुलिल्लाह 5 बारे में नंबर हो गए, तो मैं इनसे भी तजवीद के हवाले से सवाल करता हूँ। सेकंड बैच के बच्चों से सवाल है, मोटे और बारीक हरूफ, मोटे और बारीक हरूफ की तादाद बताएं। मोटे और बारीक हरूफ की तादाद बता दिया, मोटे कितने हैं और बारीक हरूफ कितने होते हैं। सात मोटे हरूफ और 22 बारीक हरूफ। अगला सवाल है, मद्दे लाज़िम की पहचान बताएं। सवाल गौर से सुनेंगे जो भी मैं करूं, मद्दे लाज़िम की पहचान बताएं और उसकी मिकदार भी बताएं कि कितनी होती है। मद्दे लाज़िम की पहचान बताएं और उसकी मिकदार। आपके पास सिर्फ 10 सेकंड है, अगर 10 सेकंड में आप जवाब नहीं देते तो फिर वो दूसरा ग्रुप जवाब देगा। मद्द लाज़िम के बाद अगर तशदीद या जज़्म आ जाए तो जवाब गौर से दें। मेरा सवाल है मद्द लाज़िम की पहचान बताएं। मद्द असली के बाद अगर तशदीद या फिर जज़्म आ जाए तो मद्द लाज़िम होती है। 5 से 6 शाबाश, वेरी गुड। तीसरा सवाल है, हरूफ मुक़त्तआत कितनी सूरतों के शुरू में आए हैं। हरूफ मुक़त्तआत कितनी सूरतों के शुरू में आए हैं। दस सेकंड आपके पास टाइम। 14 29 सूरतों के शुरू में। अगला सवाल है, गुन्ना की मिकदार कितनी है, जो गुन्ना किया जाता है उसकी मिकदार कितनी है और ये कितने हरूफ में नहीं किया जाता। सवाल गौर से सुने, गुन्ना जो हम करते हैं उसकी मिकदार कितनी होती है। और अगला इसी का ही दूसरा हिस्सा है कि ये कितने हरूफ में नहीं किया जाता, कितने हरूफ में गुन्ना नहीं होता। गुन्ने की मिकदार एक एक हलीफ के बराबर है। बा मीम और नून के अलावा किसी में भी गुन्ना नहीं होता। आप जवाब दें। मीम और नून में होता, बाकी 27 हरूफ में गुन्ना नहीं होता। आप लोग मेरा सवाल समझ नहीं सके हैं, मैंने तनवीन उन साकिन के हवाले से सवाल किया था कि कौन से हरूफ में गुन्ना नहीं होता। अब जवाब दे हरूफ हल्के में। शाबाश, ठीक है आपका जवाब। गुन्ने की मिकदार तो इन्होंने बताई थी वो भी ठीक थी,